के द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में विगत सप्ताह भी कुछ हथियार तस्करों की हथियार के साथ गिरफ्तारी की गई थी और हथियार बनाने का उपकरण भी बरामद हुआ था जो चाकत थाना क्षेत्र से बरामद हुआ था। इसी क्रम में यह सूचना मिली कल कि बेलागंज थाना क्षेत्र के ग्राम मानिकपुर में अवैध हथियार की तस्करी करने वाले गिरोह के कई सदस्य वहां पर एकत्रित हुए हैं और उनके द्वारा अवैध हथियार की तस्करी का कार्य किया जा रहा है। इस जैसे ही यह सूचना मिली तुरंत एडिशनल एसपी गया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसमें एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर, एसएचओ बेलागंज जो कि डीएसपी प्रोबेशनर हैं तथा बेलागंज थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को शामिल करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया और इनके द्वारा मानिकपुर गांव में जब छापेमारी किया गया तो वहां पर एक व्यक्ति के घर से तथा उस घर के बाहर लगे एक मोटरसाइकिल और एक स्कॉर्पियो को जब्त किया गया और घर से तथा उस घर के बाहर जो लगा वो मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो है वहाँ उससे एक राइफल, 6 दो नाली बंदूक और एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 1 देसी कट्टा तथा नगद 3,74,500 रुपया की बरामदगी की गई। पुलिस के द्वारा वहाँ से एक महिला की गिरफ्तारी की गई है और इनसे जब पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके पति तथा उनके साथ कई अन्य लोग इस हथियार तस्करी में शामिल हैं और इनसे पूछताछ के आधार पर जब काफ़ी गहनतापूर्वक जब पूछताछ किया गया तो 2 अन्य लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और इनकी निशानदेही के आधार पर जब वहां पर छापेमारी की गई तो 2 व्यक्ति जो पुलिस को देख करके भागने लगे उनको वहां पर पुलिस के द्वारा खदेड़ करके पकड़ा गया और उनके द्वारा उन 2 व्यक्तियों से भी जब पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा भारी मात्रा में जो कारतूस है वो घर के पीछे भिंडी के खेत में उसको छुपा करके रखा गया है और उसके बाद उसकी निशानदेही पर जो भिंडी के खेत से बोरा में रखा हुआ कारतूस भारी मात्रा में बरामद किया गया। इस संबंध में बेलागंज थाना में कांड दर्ज करके अगले तक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार से अभी तक कुल 3 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और इस जिनके नाम हैं रंजीत कुमार, राहुल कुमार, दोनों पिता कालीचरण चौधरी जो कि मानिकपुर गांव के रहने वाले हैं, इसके अलावा मिंता देवी जो कि मानिकपुर गांव की रहने वाली हैं, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। बरामदगी में 1 राइफल बरामद हुआ है, 2 नाली बंदूक, 6 बरामद हुए हैं, 1500 कारतूस बरामद हुआ है, 1 पिस्टल बरामद हुआ है, 1 कट्टा बरामद हुआ है, 2 मैगजीन, 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कॉर्पियो और नगद 3,74,500 रुपया। और जो स्कॉर्पियो है उसमें भी हथियार तस्करी के लिए जो अलग तरीके से उसमें कंपार्टमेंट बनाया हुआ था तो वैसा स्कॉर्पियो वहां से बरामद किया गया है। तो यह एक बहुत बड़ा गिरोह है जो कि इस क्षेत्र में हथियार तस्करी का कार्य कर रहा था, खरीद बिक्री का कार्य कर रहा था और इस पूरे ऑपरेशन में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा और साथ में इस गिरोह के जो अन्य सदस्य हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी रहेगा और जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये जो पकड़े गए ये मुख्य सप्लायर हैं या इनके पीछे किसी और का भी है? देखिए अभी कार्रवाई जस्ट अभी चल रही है और अग्रतर अनुसंधान के आधार पर आगे कार्रवाई किया जाएगा। अभी इसमें जो मेन कुछ एक आदमी है जो अभी बचे हुए हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी और उनसे भी पूछताछ किया जाएगा। सूचना है कि वो ये जो सप्लायर है ये AK-47 तक की सप्लाई करते हैं? देखिए अभी हम लोग इसमें आगे का अनुसंधान कर रहे हैं और इसमें कुछ लोग अभी भाग गए थे लेकिन उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी और जो भी कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार के गलत काम में संलिप्त रहेगा उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। चाकन से भी जुड़ा होने का है क्या? देखिए जैसा कि मैंने बताया कि पिछले सप्ताह भी जो कार्रवाई की गई थी तो हम लोग उसमें पूरे इस